No. So, कैसे हैं आप लोग भाई लोग, आ गए एक और अंदर वीडियो में। कभी कभी ना आज मैं ऐसे सोच रहा था कि कहाँ कैसे मैंने ये कैमरा लेके ऐसे ब्लॉग बनाऊंगा, ऐसे माइक लेके कैमरा के सामने मैं बोलूँगा। कभी कभी सोचता हूँ कैसे स्टार्ट कर दिया मैंने, ऐसे आज सोच रहा था क्योंकि ऐसे ही बकचोदी कर रहे थे दिन भर, कोई आज काम नहीं था तो ऐसे ही सोच रहे थे कि कहाँ से कहाँ आ गए। मैंने लाइफ में नहीं कभी सोचा था मैं जिम ज्वाइन करूँगा, मैं बॉडी वॉडी हेल्थ बनाऊँगा, बट आज मैं ऐसे हेल्थ से रिलेटेड और वर्कआउट का अपना वीडियोस बना रहा हूँ कि मैं ना कभी भी स्टेज के सामने, मैं अभी भी खड़ा हो जाऊँगा ना, मैं 10 लोगों के सामने नहीं बोल पाता था। बट जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग बनाई तो मैं प्रॉपर बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, बट एक शौक है वीडियोज़ बनाने का, लोगों को इसके बारे में बताने का, और कुछ कुछ इसी तरह मैं करते करते मुझे जानकारी मिल गई। तो वही है, कभी नहीं सोचा था कि कभी जिम जाऊँगा, डंबल्स उठाऊँगा, बट लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। तो मेरा ओवरनाइट्स आज भी, अभी जस्ट मैं जाने वाला हूँ वर्कआउट करने के लिए, नहीं अभी जस्ट नहीं, उस एक घंटा बाद है। तो अभी मैं प्री वर्कआउट ले रहा हूँ, प्री वर्कआउट मील है ये, प्री वर्कआउट और प्री वर्कआउट मील में अंतर है। प्री वर्कआउट का सिर्फ मतलब सप्लीमेंट से आ जाता, प्री वर्कआउट मील अलग है। तो ये अपना प्री वर्कआउट मील है, तो प्री वर्कआउट मील में मैं ले रहा हूँ दलिया ले रहा हूँ। वोट्स ख़त्म हो गया था, यहाँ पे दिख रहा होगा ये दलिया है, ये 100 ग्राम दलिया है। तो इसमें आप मुझे अच्छा खासा फोकस ले ले, मेरा कैमरा लगता है चल जा रहा है, फोकस ले लिया। पता नहीं मुझे अभी नया और ख़र्चा नहीं चाहिए, पता चला कि वीडियो शूट करते करते मेरा अभी कैमरा ख़राब ना हो जाए, इसलिए भगवान कैमरा को ख़राब मत होने देना। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैं जब भी बोलता हूँ कि आपको अच्छा जब ये क्या बोलते हैं आप वेट गेन कर रहे हैं तो आपको कैलोरीज इनटेक बढ़ाना है, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि डर्टी कैलोरीज में लोग ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। मतलब उनको समझाना पड़ता है कि आपको गुड कैलोरीज चाहिए, मतलब गुड कैलोरीज इन द सेंस कि आपको सिंपल कार्ब्स नहीं चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए जो आपको लंबे समय तक आपको फ्यूल प्रोवाइड करे ताकि आप एक लंबा इंटेंस वर्कआउट कर पाएँ। और उसी में बहुत लोग क्या करते हैं, आप लोग मैदा ले लेते हैं, फिर क्या बोले कुछ कुछ और खा लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो समोसा खा के वर्कआउट कर लेते हैं, बोलते हैं मुझे कैलोरीज मिल रहा है, रोज आके हम बर्न कर देंगे, उससे हमें अच्छा खासा एनर्जी मिल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वही शेप में रहिएगा, ढंग से वर्कआउट होगा नहीं, ब्लोटिंग होगा, फैट अलग से मिलेगा, उल्टा वर्कआउट करने का और नुकसान हो जाएगा कि आप फटीक हो जाओगे, ढंग से वर्कआउट नहीं कर पाओगे, आपको और प्रेशर पड़ेगा क्योंकि आप जिस तरह से अपने बॉडी को पुश करना चाह रहे हो पुश कर नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा। इसीलिए ध्यान देना है आपको कि आपको गुड कैलोरीज में लेना है, आपको अच्छा फूड, अच्छा क्वालिटी फूड खाना है। एक सिंपल सा बात है, जैसा खाओगे वैसा दिखोगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा हैवी प्री वर्कआउट मील लेता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मैं अगर हैवी मील प्री वर्कआउट मील लेता हूँ तब मैं जाके अच्छा से इंटेंस वर्कआउट कर पाता हूँ, ये मेरा मानना है। बहुत लोग बोलते हैं लाइट रखना चाहिए, नहीं तो मैं कम से कम 1.5 आवर देता हूँ, उससे पहले अपना प्री वर्कआउट मील ले लेता हूँ। तो ये है, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि प्री वर्कआउट में हमें क्या लेना चाहिए। प्री वर्कआउट में आपको सबसे पहले प्रोटीन ले लेना चाहिए। प्रोटीन आपको क्या करता है, आपको मसल को सेफ रखता है, आपको मसल लॉस नहीं होने देता, आपको आपका मसल लॉस होता है क्योंकि जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं आपका जब कभी कभी एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक में चल जाता है, तो साथ में आपका मसल लॉस भी होने लगता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा प्रोटीन रखना है अपना मील में ताकि आपका ये मसल है जो वो सेफ रहे, तो आपको ये ध्यान देना है। तो इसीलिए प्रोटीन जरूरी है, और साथ में आप क्रिएटिन ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास बजट है तो आप ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं अपना वर्कआउट में, आपको अच्छा खासा पंप देगा, आप लंबा इंटेंस कर पाइएगा, इसके अपने फ़ायदे हैं, अच्छा खासा पंप मिलेगा। और ना करना चाहें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके बिना कुछ होगा नहीं, इसके बिना भी आप आराम से कर सकते हैं। तो टाइम बर्बाद नहीं करते, जल्दी से इसे खा लेते हैं और फिर चलते हैं वर्कआउट करने के लिए। शोल्डर्स है, अगर ठीक ठाक रहा, ठीक ठाक समय मिल गया तो हम सिर्फ शोल्डर्स के साथ, और बैक भी, बैक नहीं इन द सेंस
बैक नहीं, शोल्डर्स के साथ लेग्स थोड़ा सा ले लेंगे, क्योंकि लेग्स नहीं काफ्स ले लेंगे, थोड़ा सा मेरा काफ्स कमज़ोर है। आपको ना एक बात एक्सेप्ट करना होगा कि आप कभी भी अपना आप ये मतलब ध्यान रखना होगा, मैंने गौर किया है कि किसी का भी बॉडी ना पूरा परफेक्ट नहीं रहता है। आपको अपना जो इम्प्रॉपर साइड है, जो आपका सब लोग जिम में ये बस सोच जाते हैं ना, ये सोचे कि हम बस अच्छा गुड शेप में आए, ऐसा कोई शेप नहीं है जो वो गुड है। सब में फ्लॉज रहते हैं, सबका बॉडी मसल मतलब किसी क्या बोलें, सबका मसल स्ट्रक्चर परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है। किसी का लेग्स अच्छा रहेगा, किसी का आर्म्स अच्छा रहेगा, किसी का बाइसेप्स अच्छा रहेगा, किसी का चेस्ट अच्छा रहेगा। आप कोई भी कॉम्पिटिशन देखिएगा, सबका तो बॉडी परफेक्ट रहता है, लेकिन क्यों उसमें देखा देखा जाता है कि नहीं ये सबसे बेस्ट बॉडी है। थोड़ा सा उसका कुछ एक पार्ट ज़्यादा होगा, उसका लेग्स अच्छा होगा तो उसमें उसका एडवांटेज मिल जाता है, कभी उसका चेस्ट अच्छा होगा तो उसका एडवांटेज मिल जाता है। तो ये मायने नहीं, तो बहुत लोग क्या करता है ना, बहुत अपने आप में इतना घुस जाता है ना कि नहीं मेरा बॉडी शेप अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, लेग्स अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, तो वो माइंड में उसका बहुत चलता है। और वो ढंग से ना अपने आप को उस बॉडी पार्ट को मतलब एक छुपा के रखता है इसलिए, और छुपाने के वजह से वो ढंग से उसे ट्रेन नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपको अपना फ्लॉज को पूरा सामने दिखाना है कि हाँ ये फ्लॉज है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। और फ्लॉज को जितना छिपाने चाहिएगा ना, आपका वो मसल और कमज़ोर हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान देना है। तो ये आज का मोटिवेशन का बात था, तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बहुत ही अच्छा मैं मोटिवेशन देता हूँ, अगर आपको और मोटिवेशन चाहिएगा तो मुझे फॉलो कर लीजिए। हाँ, और फॉलो आप लोगों को जरूर करना है, नहीं तो भैया जो मुझे फॉलो नहीं करेगा उसे भगवान देखेगा भाई, ये आप समझ लीजिएगा। तो एक बार थोड़ा सा बॉडी कंडीशनिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई वर्कआउट वीडियो है तो नंगा होना हमारा जरूरी है, तो जल्दी से नंगे हो लेते हैं, थोड़ा बॉडी को कंडीशनिंग चेक कर लेते हैं, फिर जल्दी से अपना प्री वर्कआउट मिल लेते हैं और फिर चलते हैं जिम। चलिए जल्दी से नंगा हो लेते हैं। हाँ, कंडीशनिंग ठीक है। आप लोगों ने बात किया, मैं जैसे नॉर्मल ऐसे खड़ा रहता हूँ ना तो मेरे एब्स अच्छे दिखते हैं, और जब मैं इसको और कंप्रेस करने जाता हूँ ना तो एब्स गायब हो जाता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जैसे मैं अभी नॉर्मल खड़ा हूँ तो मेरे एब्स अच्छे से दिख रहे हैं, अच्छा ठाक, मतलब उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक दिख रहा है। जैसे मैं इसे क्रंच करने जाता हूँ ना तो इसका शेप उतना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं जब भी पोजिंग करने रहता है ना तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे में आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा दिखता है। और मैंने ये एक गलती की थी, जब भी मैं आप वर्कआउट करें तो पोजिंग। तो अभी जिम हम लोग आ गए, पहले मिलिट्री प्रेस स्टार्ट करेंगे, अभी कपड़ा नहीं उतारेंगे, पहले वार्म अप कर लेंगे, अच्छा थोड़ा खासा पंप आ जाएगा तब कपड़ा उतारेंगे, बिना पंप का कपड़ा उतारने मजा नहीं आता है। तो पहले अभी बिना वेट अच्छा सा पंप ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वर्क जरूरी है। एक सेट काफी है आपके, अब वेट बढ़ाएंगे। चार चार रेप, अरे एक को बोलने दो, चार रेप बाकी। हाँ तुम बोलो, हाँ डाल दो, जोर सब ले जा रहा है मेरा, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेस करेंगे। अभी डंबल प्रेस लेंगे, 35 का वेट से ले रहे हैं, तो इसका अभी कम से कम 8 से 10 रेप के बीच में रखेंगे, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि मैक्स पुश करने की कोशिश करेंगे। म्यूजिक का वॉल्यूम कॉपीराइट एक्ट आने वाला, तो बस कर तो अपना डंबल प्रेस हो गया है, पहला सेट और दूसरा सेट 35 से लिए थे और तीसरा सेट 40 से लिए थे, उसका कम से कम 40 से कम से कम 5 रेप निकला था। अब 3 सेट हो गया, एक और सेट लेंगे 40 का, देखते हैं कितना जाता है, सपोर्ट रखना ही पड़ेगा, फिर भी कोशिश करेंगे
कि ज्यादा जितना कम सपोर्ट ले वो मिनिमल सपोर्ट रहे। डेल्ट मारेंगे, रेड डेल्ट और फ्रंट रेजेस है और स्ट्रक्स करेंगे सबको। आज 3 से 4 सेट के बीच में रखें टोटल सबका, 2 सेट दस का निकालें स्टार्टिंग का और आखिरी का 8 ट्रेप निकालें, पर उसके बाद देखते हैं कैसा जाता है। पर पानी पी लेते हैं भाई, शरीर एकदम एग्जॉस्ट कर जा रहा है और एसी नहीं है इसलिए बार बार कपड़ा उतारना पड़ रहा है, लेकिन कपड़ा उतारने का भी अपना मजा है। चलिए जल्दी ख़त्म करते हैं फिर बकचोदी करेंगे। पेट बढ़ाएंगे जल्दी जल्दी, एक बार में खत्म करेंगे। थोड़ा वेट बढ़ा दो प्लेट। मार रहे, खत्म करेंगे एक बार में। हाँ फाइनल सेट, नौ फाइनल। माइक लगा ले पहले। इधर थोड़ा सा हम तो ठीक है ठाक आ गया। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, अच्छा खासा इंटेंसिव वर्कआउट रहा। थोड़ा सा और पुश करने का मैंने सोचा था बट उतना फिर भी ठीक है। आपको क्या करना, वर्कआउट का ये मतलब नहीं है कि एकदम हैवी जाने से ही आपका बॉडी बनता है, बॉडी मेन बनता है आपका रिकवरी से। ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा ओवर कर देने से बॉडी और ख़राब भी हो जाता है, तो वो आपको ध्यान करना है कि एकदम ओवर भी एक्सरसाइज नहीं कर देना है, नहीं तो आपको इंजरी के चांसेस हो जाएंगे, जॉइंट्स प्रॉब्लम होते हैं। तो इसीलिए ओवर डन नहीं करना है, कुछ भी ओवर डन कर देने से और वो चीज़ बेकार हो जाता है। तो अभी हम लोग वर्कआउट बाकी सब तो हो गया, अपना प्री वर्कआउट मतलब अपना प्रोटीन सब ले लिए हैं और अब हमारा बारी है अपना प्री वर्कआउट मील के बारे में। इट्स नॉट सप्लीमेंट, इट्स अबाउट मील। तो ये है मेरा प्री वर्कआउट मील, दिख रहा होगा, ये स्मैश पोटैटोस और पनीर का मैंने बनाया है, कबाब टाइप का या पैटी टाइप का, कबाब बोलो या पैटी बोलो। तो इससे ये लो फैट मेरा पनीर है, उसको मैंने लो फैट पनीर से बनाया था, मैंने लो फैट मिल्क से बनाया था, लो फैट मिल्क लिया उसको मैं। अब जानते हैं पनीर कैसे बनता है
और उससे मैंने ये बनाया, इसमें स्मैश पोटैटोज है, तो इसमें आपको अच्छा कार्ब्स मिल जाएगा और अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। और ये बहुत ही लाइट है, इसे आप आराम से बना सकते हैं, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है बनाने में, और ये बहुत ही ईजिली से बन जाता है और आपका अच्छा खासा रिकवरी के लिए और जो पोस्ट वर्कआउट मील होता है उसके लिए बेस्ट है। आप 3 से 4 बना लीजिए, आपको आराम से हो जाएगा। तो इसी नोट पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए होगा तो, अरे गिर गया, अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसका रेसिपी आपको डाल के वीडियो बना के डाल दूँगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी नोट पे वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अनदर वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ कमेंट, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको अच्छा वीडियो लगे, आपको अच्छा वीडियो मिले और मुझे अच्छा मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।